अस्सलाम वालेकुम, बकानीज के साथ मैं हूं सदस्या। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईपीएल की नशरियात पर पाबंदी समेत 19 निकाती एजेंटे पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में मुश्तरका अपोजिशन का अहम इजलास लाहौर में तलब कर लिया गया। अपोजिशन का इजलास 96 मॉडल लाहौर में दोपहर 1 बजे होगा। कायदे हज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सियासी, माशी और इक्तसादी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त अजहर सिद्दीक की जानिब से दायर की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक मामला अदालत आलिया में जेर समाअत है। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइज के घर पर फायरिंग से इनका दोस्त जा बहक हो गया। कातिलाना हमले में पीटीआई रुकन असम्बली बाल बाल बच गए। वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला ने वाकये की तहकीकात और मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मातहत आलिया सर्विस रोल्स मामला को वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकीन को इत्तफाकी राय से हल करने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क दिए कि बेहतर है तमाम फरीकीन मिलकर कोई फैसला कर लें। अगर इत्तफाकी राय नहीं होता तो केस का फैसला कर देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को शरीफ मेडिकल हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ इनका तिब्बी मुआयना होगा। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जाती उम्रा से शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल पहुंच गए, जहां इन शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी सियासी जमातों में इत्तफाक राय पर मुनसर है। सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 मैचों की वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट काफी नाराज नजर आते हैं। तहम ऐसी सूरत में अम्माद वसीम ने इसे एक बड़ी शिकस्त करार दे दिया। ये थी हफ्ते की हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए देखते रहिए बका न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.baqanews.com।